जोगिंदरनगर के राजस्व अधिकारी जिसमें मुहाल व सेटलमेंट दोनों ने मिलकर आज एक ज्ञापन स्थानीय एसडीएम के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को भेजा। जोगिंदरनगर में लगभग 300 राजस्व अधिकारी हैं जिन्होंने छठे वेतन आयोग में उनके लिए हुए विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। पटवार कानून को उत्तरी क्षेत्र की महासचिव काजल शर्मा ने दिव्य हिमाचल को बताया कि छठे वेतन आयोग में विसंगतियां हैं, उन्होंने इसे सही करने की मांग प्रदेश सरकार से की है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि प्रोबेशनर पटवारियों को ग्रेड पे 3200 रखा जाना चाहिए और अन्य भी कुछ मांगे रखी। नमस्कार जी, मेरा नाम काजल शर्मा है और मैं पटवार कानून को उत्तरी क्षेत्र की महासचिव हूँ। और आज हमने अपना ज्ञापन हमने एसडीएम सर के माध्यम से हमने आज सीएम साहब को दिया है। हमारी कुछ मांगे हैं जो हम वो पूरी करवाना चाहते हैं। जो सिक्स पे कमीशन आया है, हमने सोचा हमारे सबके भले के लिए होगा, लेकिन उसमें कुछ अवलोकन करने से कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। जैसे कि हमारा जो ग्रेड पे है वो 3200 रखा जाना चाहिए, जो प्रोबेशनर्स हैं उनका 3200 ग्रेड पे रखा जाना चाहिए, या फिर उसका हमारे प्रोबेशन पीरियड में 1900 ग्रेड पे रखा जाए। और जब हमें ये आश्वासन देना चाहिए कि जब हम रेगुलर हो जाएं 2 साल के बाद, तब वो 3200 के मैट्रिक्स में आ जाए। और इसी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर 3200 हमारा ग्रेड पे हो जाता है तो उन्हें 60% उसका अगर मिल जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल अमाउंट होगा अपनी आजीविका चलाने के लिए। वो अच्छा अमाउंट है किसी के लिए भी। या फिर अगर वो नहीं हो पाता है तो 1900 के मैट्रिक्स में ही रखते हुए जब वो प्रोबेशन अपना ख़त्म कर ले तो वो दोबारा 3200 के मैट्रिक्स में आ जाएं। हमारी ये कुछ मांगे हैं, हम चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा अवलोकन किया जाए और इन्हें पूरा करने का पूरा हमें आश्वासन दिया जाए। इसी के साथ धन्यवाद कहना चाहूँगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंद्र नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।